हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और यहाँ पर मैं बना रही हूँ चंद्रकला, क्योंकि दिवाली स्पेशल मिठाई है और मैं इसे दिवाली पर ही बनाई थी, लेकिन वीडियो एडिटिंग नहीं की है इसलिए मैं इसे पोस्ट नहीं की। तो आज मैं साथ में वीडियो पोस्ट कर रही हूँ इसका भी, और साथ में आज का जो ब्लॉग है उसका भी। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं खोआ तो बना करके रख ली थी, और अभी बैठ करके यहीं पर पूरी बेल करके और इसे फटाफट इसे एक गुजिया का हिस्से देते हैं, लेकिन ये गोल गोल होता है, और इसे बना करके और फिर इसे तल ले रहे हैं। बस सेम जिस तरह से गुजिया बनाते हैं उसी तरह से बनता है, लेकिन थोड़ा इसे थोड़ा ज़्यादा तलते हैं। तो ये जो वीडियो है मैं शूट की थी जिस दिन दिवाली का यम दिया निकलता है उसी दिन, लेकिन वीडियो मैं लेट से इसे डाल रही हूँ। ये खाने में बहुत टेस्टी होता है, दिवाली पर तो स्पेशल इसे बनाया जाता है। तो मैं भी सोची कि चलो घर में बच्चे आए हैं तो इसे क्यों ना बना दें। देखिए एक बार लोगों का बचा है मेरा, सब तल लिए हैं, और चाशनी भी मेरा रेडी हो गया है। चाशनी में डाल करके और इसे फिर छोड़ देंगे। देखिए दो चार केसर के धागे इसमें डाल दे रहे हैं चाशनी में, और इसके बाद चाशनी जब ठंडा हो जाए, मतलब पूरी तरह से नहीं, चाशनी मीडियम ही, और ये ज़्यादा गाढ़ा भी चाशनी नहीं, मतलब कि जैसा गुलाब जामुन का रहता है वैसा ही चिपचिपाहट होना चाहिए, इसमें डाल दे रहे हैं। दोनों ही मीडियम है, चाशनी भी और ये जो चंद्रकला बनाया है दोनों ही ठंडा हो गया है, ज़्यादा ठंडा ये भी नहीं है और ज़्यादा ठंडा ये भी नहीं। और चाशनी घुसने के बाद इसे फिर निकाल करके एक ट्रे में रख देंगे, तो बहुत ही टेस्टी बनता है। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, और ये वीडियो मेरा आज का है, सुबह का है, और घर को मैं आज क्लीन की, दीपक जो था जलाए थे वो सब कुछ आज उठा करके मैं रखी। और ये देखिए मिठाई भी मेरा अभी तक कोई खाया नहीं है, और ये चंद्रकला ये भी बहुत टेस्टी बना था। मैं सोची चलो एक निकालते हैं और इसे खा करके देखते हैं, खाने में तो बहुत टेस्टी बना है वाकई में। और कल तो मैं कुछ भी नहीं काम की थी, रेस्ट कर रही थी, और ये देखिए मेरा किचन का क्या हाल हुआ है, चंद्रकला खाने में, मिठाई खाने में लग गई, और यह दूध मेरा सारा नीचे आ गया बर्तन से। देखिए इसमें मैं खीर बना रही थी और खीर का आधा दूध जो था वो बाहर आ गया, और दूध गिरने का तो अफसोस मुझे कम है, लेकिन मुझे फिर से किचन साफ करना पड़ा है, सबसे ज़्यादा दुख होता है, क्योंकि अभी तुरंत मैं किचन साफ करके गई थी और ये देखिए फिर से मुझे किचन साफ करना पड़ा। और ऐसा होता है तो यार गुस्सा तो बहुत ज़्यादा आता है खुद पर ही कि क्यों लापरवाही की। अरे देखिए खीर मेरा बन करके रेडी हो गया, और फिर मैं बना रही हूँ इधर आलू और गोभी की सब्जी। और आज भाई दूज का त्यौहार दिवाली के एक दिन के बाद होता है, लेकिन शायद आज नहीं कल है। तो और भाई दूज पर हमारे मायके में दाल वाली पूरी, खीर और ये सब्जी बनता है, तो मैं भी वही बना रही हूँ। खैर हम यहाँ पर तो बिहार बॉर्डर में हैं, और बिहार में इधर बनाते हैं वो चावल के जो फर्रे बोलते हैं पिट्ठा, वही बनता है इधर भाई दूज के दिन। लेकिन भाई दूज का त्यौहार हमारे यहाँ नहीं मनाया जाता है, मतलब मेरे घर में नहीं मनाया जाता है किसी कारणवश। तो देखिए ये बन करके रेडी हो गया है और ये लोग खा रहे हैं, और फिर मैं निकाली अपने लिए एक खीर और साथ में ये दाल वाली पूड़ी और सब्जी। तो फ्रेंड्स किन किन को पसंद है ये दाल वाली पूड़ी और सब्जी खीर, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आज तो मैं यही बनाई हूँ, और बहुत दिनों के बाद ही ये चीज़ बना है, बच्चे लोग आए हैं। हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग, वेलकम है आप सबका मेरे चैनल पर। कैसे हैं आप सब? अभी शाम के 5 बजने वाले, सूर्यास्त होने वाला है, अभी आए हैं छत पर टहलने के लिए। और कल दीपावली की सुबह, मतलब उसके दूसरे दिन इतना ज़्यादा थक गए थे, सभी लोग थक गए होंगे मेरी तरह। देखिए आज ना इतना अच्छा लग रहा है, देखिए गुलाब का फूल एक नहीं तीन ही चार चार खूबसूरत लग रहा है, खिला है, 1 2 3 4 5 खिला है फूल, और उधर गेंदे का भी शुरुआत हो गया खिलना, 2-3 गेंदे भी खिला हुआ है। और ये मेरा धनिया पत्ती भी आज इसे तोड़े थे, बहुत ज़्यादा थक गए थे, इतना ज़्यादा थक गए थे कि कल तो कुछ करने का मन ही नहीं कर रहा था। तो कल रेस्ट था, रेस्ट क्या रहेगा, मतलब खाना बनाना और फिर बस
यही काम। और आज अभी भी दीपावली सा होता है कि दीपावली के बाद भी एक दो दिन तक मतलब काम घर में बढ़ा होता है। घर में जो भी सामान निकाले होते हैं, बर्तन एक्स्ट्रा या फिर और कुछ, सब कुछ फिर से साफ करके उसे रखना। भी मुझे पूजा का बर्तन साफ करना है। धूप अभी भी बहुत तेज़ है हमारे यहाँ, तो इसलिए दिन में छत पर आकर के कोई काम करना ठीक नहीं लग रहा था। देखिए, सुना सुना लग रहा है आज। ऐसे तो एक दिन के बाद फिर छठ का धूम हो जाएगा, छठ पूजा का। और क्रिस लाइटिंग लगाया है, अभी नहीं निकाले हैं, इसे जलाएंगे शाम को। इस बार तो इतना कीड़ा पतंगा आ गया था कि घर में कहना नहीं है लाइट के चलते। तो फ्रेंड्स चलते हैं, देखिए शाम हो चुकी है और अभी चलते हैं पूजा का जो बर्तन है उसे धोने के लिए। शाम हो चुकी है और ये देखिए हमारे यहाँ के शाम का व्यू। और ये सारा बर्तन पूजा का रखा हुआ है और अभी इसे साफ करना है। देख सकते हैं थोड़ा थोड़ा धुआं धुआं टाइप का मतलब लगने लगा, जैसे ठंड का मौसम आ गया है। धुंध अभी से ही लग रहा है, शाम को ही गिरने शुरू हो गए हैं। जिनके यहाँ छठ पूजा हो रही होगी वो तो छठ पूजा तक बिजी रहेंगे, हमारे यहाँ तो खैर नहीं हो रहा है। तो अभी बस इसे ही साफ करते हैं, ढेर सारा बर्तन पूजा का ये सब। और इसे साफ करना ना एकदम जरूरी है, अगर मैं साफ करे तो और ही गंदा हो जाएगा। रखे रखे है। त्योहार बीतने के बाद भी आराम नहीं होता, मतलब काम तो हर दिन करना ही, और ख़ासकर हम औरतों का तो कभी आराम नहीं है। खाना बनाना और ये किचन बर्तन ये सब कुछ तो काम पर डेका है, चाहे अब त्यौहार खत्म हो जाए, त्यौहार ना रहे, त्यौहार हो, लेकिन ये काम से तो कभी निपटारा नहीं है। बस मेरी भी लाइफ इसी तरह है। और फिर मैं आई एक पार्सल आप सबको दिखलाने, तो ये पार्सल पहले ओपन कर चुकी है और ये छवि देखिए किस तरह से खोली है, पूरा नोच नोच करके, जैसे लग रहा है कोई बिल्ली कोई सामान को नोच नोच करके खाती है, उस तरह से पूरा इसे नोची है। और इसमें है सूट, तो ये मैं मंगाई थी छठ पूजा पर पहनने के लिए, लेकिन छवि बोल रही है कि ये तो मम्मी तुम होली वाला मंगा ली है, इस तरह से है, मल्टी कलर में प्रिंट है, ये वाइट है, ये तो तुम होली वाला ड्रेस मंगा ली। लेकिन मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, जब मैं पिक में देखी तो मुझे इतना अच्छा लगा कि मैं ऑर्डर कर दी। अब चाहे जो भी हो, लेकिन मैं तो इसे मंगा ली और मैं इसे वापस भी नहीं करूंगी, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। इसकी फैब्रिक एकदम सॉफ्ट है, जॉर्जेट, और कलर तो देख ही रहे हैं। साथ में इसमें दुपट्टा भी दिया है जो मल्टी कलर में है, और इसमें बंधन बहुत अच्छा लग रहा था मुझे देखने में। इसका डिजाइन अम्ब्रेला कट, अरे दुपट्टा देखिए बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, प्रिंटेड मल्टी कलर में है, फ्लावर प्रिंट में तो अच्छा लग रहा है। लेकिन अबे होली वाला लग रहा है तो कोई बात नहीं है, होली पर ही पहना जाएगा। ये बहुत ही खूबसूरत मुझे लगा, इसलिए मैं इसे ऑर्डर कर दी। आप सब देख करके बताइए कैसा लग रहा है ये त्योहार पर पहनने के लिए, छठ पूजा पर अच्छा लगेगा या नहीं। फुल साइज है एकदम, इसकी लेंथ पूरी है और साथ में इसका बाजू भी देख सकते हैं लंबी है, तो अच्छा लग रहा है देखने में। और साथ में जो दुपट्टा जो दिया है, इसका सबसे अच्छा दुपट्टा इसमें है मैच करता हुआ। तो फ्रेंड्स आप सब में किस जिनको पसंद होगा मैं लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, घर बैठे मंगा सकते हैं इसे। और ये चीप रेट में है, अंडर बजट में, तो बहुत ही अच्छा लगा मुझे। फ्रेंड्स करते हैं वीडियो को एंड और मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर फेसबुक पेज से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कीजिए। मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय, टाटा, सी यू, टेक केयर।